हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेसन के चिले, जिसमें हम खूब सारी सब्जियां डालेंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 1 कौली बेसन की ली है, 1 बड़ा चम्मच प्याज का बारीक काट लिया है, वो डाल देंगे। ये हरी मिर्च, शिमला मिर्च छोटी छोटी काट ली है मैंने, 1 शिमला मिर्च ली है, ये डाल देंगे। एक छोटा छोटा काट के प्याज टमाटर लिया, ये डाल देंगे। और ये छोटी छोटी 3-4 मैंने फ्रांस बीन ली है, फ्रांस बीन की फलियां, तो ये डाल देंगे। ये थोड़ी सी हरी मिर्च ली है, अदरक भी हम डाल सकते हैं, तो इस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो वो मैंने नहीं डाला। ये इसमें मैंने आधा चम्मच चाट मसाला डाल दिया है। हमने चाट मसाला डाल दिया तो नमक कम डालेंगे, आप देख के डालिए, क्योंकि चाट मसाले में नमक काफ़ी होता है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच गरम मसाला डाल देती हूँ, और जो मिर्च आप स्वाद के अनुसार डालिए, हरी मिर्च भी डाली है हमने, तो 1/4 चम्मच जो है वो लाल मिर्च डाल देती हूँ। और नमक, क्योंकि चाट मसाला भी डाला है तो नमक थोड़ा डालेंगे, आधा छोटी चम्मच। तो इसको कलर देने के लिए थोड़ी सी 1/4 हल्दी, जो हमारे चिली फ्लेक्स हैं वो इसको अच्छा टेक्सचर देने के लिए हम डालेंगे, आधा छोटी चम्मच बस इतना ही। तो अच्छी तरह से मिला लेते हैं, क्योंकि सब्जियों में भी हमने बारीक काटी है, टमाटर काटा है, तो इसमें भी थोड़ा बहुत पानी रहता है, तो पहले हम मिला लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे इसमें, और इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। तो अभी मैंने ये इस कंसिस्टेंसी का जो घोल है वो रखा है, अभी हम इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। फिर थोड़ा बेसन फूल जाएगा तो फिर पानी की जो कंसिस्टेंसी है वो हम बाद में ठीक कर लेंगे। इसको अभी 10 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ। मैंने जो सब्जियाँ डाली हैं, आप और भी सब्जियाँ ले सकते हैं, जैसे गाजर या और भी जो कच्ची सब्जियाँ खा सकते हैं हम, वो भी ले सकते हैं। तो अब मैं इसको ढक के रख देती हूँ 10 मिनट के लिए, तो फिर हम इसको इसके चीले बनाएंगे। थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। पानी डालकर हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे, और ये ठीक है घोल। तो मैं इसमें, आप इसमें धनिया भी डाल सकते हैं, तो मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल रही हूँ। अब ये मैंने नॉन स्टिक पैन गर्म कर लिया है, आंच थोड़ी, पैन एक बार गर्म हो गया तो आंच फिर मीडियम रखेंगे। मक्खन लगाएंगे, आप रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हैं, पर मक्खन का जो टेस्ट है वो बहुत बढ़िया आता है, इसलिए मैं मक्खन लगा रही हूँ। अब चीले को हम हिला देंगे। इसमें हमने सब्जियाँ डाली हैं तो ये बहुत ज़्यादा पतला चीला तो नहीं बनेगा। ऐसे हम इसको जितने आप छोटे बड़े जैसे भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो अब इसको हम थोड़ा गोल कर देंगे। अब इसको हम मीडियम स्लो आंच पर क्रिस्पी करने तक सेकेंगे। अब साइडों पर थोड़ा थोड़ा मक्खन लगा देंगे। मक्खन आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ऑयल कम ज़्यादा, जितना जैसे आप चाहें तो वो कर सकते हैं। अगर हमने बच्चों को देना है तो वो तो थोड़ा मक्खन वगैरह अच्छा लगा के हेल्दी हो जाता है। मक्खन वैसे भी खाने के लिए हेल्दी होता है और उसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। ऐसे हम इसको दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। इसी तरह से हम दूसरा चीला फिर डालेंगे। इतना हो सकता है हम उसको, इसको इतना पतला कर लेंगे, ज्यादा पतला तो ये होगा नहीं। अब इसको हम
थोड़ा गोल कर देंगे ऐसे किनारों से। अब ये हमारा चीला है, इसने ऊपर से जो इसका रंग है वो सूख गया है ऊपर से। अब हम इसको पलट देंगे। साइडों पर थोड़ा सा मक्खन लगा देंगे। ऐसे हम मीडियम आंच पर इसको क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। इस प्रकार हम सभी चीले बना के तैयार कर लेंगे। ये हमने चीले को दोनों तरफ से सेक लिया है अच्छी तरह से, क्रिस्पी हो गया है ये। अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा मक्खन लगा देंगे। थोड़ा सा साइडों पर। अब हम इसको पलट देंगे। ये देखिए कितना क्रिस्पी और सुंदर चीला बनके हमारा तैयार हुआ है। इसमें कितनी सारी सब्जियां हैं, फ्रांस बीन, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और आप गाजर वगैरह और भी बहुत सारी सब्जियां पा सकते हैं जो आप खाना चाहते हैं। ये हमारे सभी चीले बनके तैयार हो गए हैं। फ्रेंड्स आप भी इसी तरह बनाइए और खाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को कमेंट कीजिए। थैंक यू।